डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एंटेगुमेंट्री सिस्टम के बारे में या अध्यावरणी तंत्र के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ एपिडर्मल ग्लैंड्स, एपिडर्मल ग्रंथियों की तुलनात्मक संरचना। सबसे पहले है फिशेज में। मछलियों की त्वचा में बड़ी संख्या में यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स पाई जाती हैं। यूनिसेलुलर ग्लैंड्स में गोब्लेट सेल्स, ग्रैनुलर ग्लैंड सेल्स एंड बीकर सेल्स आती है। मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स जो हैं उसमें सिंपल एल्वियोलर टाइप की होती है ये, और ये सब ग्लैंड्स जो हैं म्यूकस सिक्रीट करती है जो शरीर को मॉइस्ट एंड स्लाइम बनाए रखने के साथ साथ बैक्टीरिया और फंजाई से मुक्त रखती है। इलेजमोब्रैंक तथा टीलियोस्ट दोनों प्रकार की फिशेज में मल्टीसेलुलर पॉइजन ग्लैंड्स पाई जाती है। नेक्स्ट है, इसमें है फिशेज में फोटोफोर। ये इसमें फिश की स्किन का VS यानी वर्टिकल सेक्शन लिया गया है। तो इसमें आप देखिए ऊपर की तरफ एपिडर्मिस है और एपिडर्मिस में बीच वाली ऊपर एक सिंगल लेयर से पर लेयर है सेल्स की, और बीच में बड़े आकार की म्यूकस ग्लैंड उपस्थित हैं। तो ये म्यूकस ग्लैंड्स जो हैं इसके एपिडर्मिस के ऊपरी भाग में जाकर के खुलती हैं और इनके द्वारा म्यूकस सिक्रीट किया जाता है जो कि बॉडी को सॉफ्ट और स्लाइम बनाए रखता है। गहरे समुद्र में यानी डीप सी में पाई जाने वाली कुछ फिशेज में फोटो ऑर्गन्स पाए जाते हैं या प्रकाशमान अंग पाए जाते हैं जिनको फोटोफोर कहते हैं। फोटोफोर बॉडी के अदर तल पर यानी इसके वेंट्रल सरफेस पर अनुदैर्ध्य पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं, यानी इसके लॉन्गिट्यूडिनल रोज के अंदर अरेंज होते हैं। हर फोटोफोर में एक ग्रंथिल यानी ग्लैंडुलर लेयर होती है जिसके ऊपर वाली सेल्स एक लेंस का निर्माण करती हैं और इसके नीचे परावर्तक वर्णक पाए जाते हैं यानी रिफ्लेक्टिव पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ग्लैंडुलर सेल्स से स्फूर्दीप्त यानी फॉस्फोरोसेंट प्रकाश निकलता है जो परावर्तक वर्णकों द्वारा परावर्तित होकर के लेंस से होता हुआ बाहर निकलता है। गहरे समुद्र की मछलियाँ कंप्लीट डार्कनेस में रहती है तो फोटोफोर के द्वारा जो उत्पन्न प्रकाश है शिकार को आकृष्ट करने में काम आता है, तो शिकार को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सेकंड है इसमें एम्फीबियंस। तो फर्स्ट जो हम डायग्राम देख रहे थे उसमें ऊपर की तरफ एपिडर्मिस है, इसमें म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स है या म्यूकस ग्लैंड सेल्स है, नीचे की तरफ लेंस है, पिगमेंट लेयर है और रिफ्लेक्टर है, और नीचे की तरफ ग्लैंडुलर सेल्स उपस्थित हैं। सेकंड है एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस की स्किन में मल्टीसेलुलर स्लाइम या म्यूकस एंड पॉइजन ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो मल्टीसेलुलर म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं और पॉइजन ग्लैंड्स होती है। यहाँ पर म्यूकस ग्लैंड्स जो हैं यह इसके पूरे शरीर पर पाई जाती हैं। ये ग्रंथियाँ म्यूकस सिक्रीट करती हैं जो त्वचा को मॉइस्ट बनाए रखता है, जिससे कि कुटेनियस रेस्पिरेशन के समय गैसों का एक्सचेंज आसानी से हो सकता है। म्यूकस ग्लैंड्स की तुलना में पॉइजन ग्लैंड्स संख्या में कम होती है तथा त्वचा पर पाए जाने वाले वार्ट्स या पैरोटिड ग्लैंड्स वास्तव में विष ग्रंथियों के समूह होते हैं। तो यहाँ पर ही विष ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। विष ग्रंथियों या पॉइजन ग्लैंड से स्रावित होने वाले पॉइजन से बर्निंग सेंसेशन यानी कि जलने का आभास उत्पन्न होता है। एम्फीबियंस में पाई जाने वाली अदर ग्लैंड्स में एक है एडेसिव ग्लैंड्स जो कि पेड़ पर रहने वाले ट्री फ्रॉग्स में पाई जाती है, और दूसरी है मेल फ्रॉग और टॉड के अंगूठे की गद्दियों में उनके अंगूठे की पैड्स पर ब्रीडिंग सीजन में पाई जाने वाली ग्लैंड्स जो कि एडेशन का काम करती है। थर्ड है रेप्टाइल्स।
रेप्टाइल्स की स्किन ड्राई और रफ होती है और इनमें बहुत कम एपिडर्मल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। क्रोकोडाइल्स में यानी मगरमच्छों में 2 pairs स्किन ग्लैंड्स पाई जाती है जो कि सेंट या मस्क स्रावित करती है। मेल लिजार्ड्स में पाई जाने वाली उरु या फीमोरल ग्लैंड्स जो हैं एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित करती है जो कड़ा होकर छोटे छोटे सूल बनाता है, स्पाइंस बनाता है। ये स्पाइंस कपलेशन के समय मादा को पकड़े रखने में काम आते हैं। कुछ समुद्री कछुआ में जो सी टर्टल्स है उनमें पाई जाने वाली जो फीमोरल मस्क या मस्क ग्लैंड्स जो हैं का स्राव सेक्सुअल अट्रैक्शन में काम आता है। यहाँ पर ट्री फ्रॉग रेकोफेरस को दिखाया गया है तो इनकी अंगुलियों के बीच में जो है ये वेब्ड है स्किन है और यहाँ पर एडेसिव कुशन पाया जाता है नीचे की तरफ जिसकी सहायता से यह पेड़ों की टहनियों को आसानी से पकड़ सकता है। नेक्स्ट है बर्ड्स। बर्ड्स की स्किन में एपिडर्मल ग्लैंड्स करीब करीब नहीं के बराबर होती है। इनमें पाई जाने वाली एकमात्र एपिडर्मल ग्लैंड है यूरोपाइजियल ग्लैंड जो एक प्रसादन ग्रंथि होती है या पूछ अथवा यूरोपाइजियम की डोर्सल सरफेस पर स्थित एक वी शाखित यानी ब्रांच्ड एल्वियोलर ऑयल ग्लैंड है जिसका तेलीय सिक्रीशन ऑयली सिक्रीशन जो है पंखों के प्रसादन यानी पियरनिंग प्रिनिंग का काम करता है और उनको वाटर बैरियर बनाने में काम आता है। यहाँ पर नीचे डायग्राम दिए गए हैं, इसमें फर्स्ट है लिजार्ड्स में फीमोरल ग्लैंड का जिसकी लोकेशन दिखाई गई है और सेकंड है बर्ड्स में यूरोपाइजियल ग्लैंड का। नेक्स्ट है मैमल्स। मैमल्स की स्किन में विभिन्न प्रकार की ग्लैंड्स बहुतायत में पाई जाती है। आधारीय ग्रंथियां सीबेसियस और स्वेट ग्लैंड्स है जिसके रूपांतरण से अन्य सभी प्रकार की ग्लैंड्स बनती हैं। सबसे पहले हैं सीबेसियस ग्लैंड्स या इनको तेलीय ग्रंथियां कहते हैं। ये एल्वियोलर ग्लैंड्स होती हैं जो स्किन के अधिकांश भाग में पाई जाती है। हथेलियों और तलवों में ये एब्सेंट होती है। इन ग्रंथियों की नलिकाएँ अधिकतर एयर फॉलिकल्स में खुलती है परंतु नाक होठों के किनारे और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आसपास और मेमरी ग्लैंड्स में पेपिला पर ये ग्लैंड्स नलिकाएं जो हैं किसी रोम पुटक से जुड़ी हुई नहीं होती हैं, एयर फॉलिकल से जुड़ी हुई नहीं होती हैं और फ्रीली या बाहर की तरफ खुलती हैं। सीबेसियस ग्लैंड्स के ऑयली सिक्रीशंस में वैक्स फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। यह ऑयली सिक्रीशन स्किन और बालों को चिकना और जल अवरोधी बनाते हैं। सेकंड है मीबोमियन ग्लैंड्स। यह मनुष्य की पलकों पर पाई जाने वाली मीबोमियन ग्लैंड्स जो है रूपांतरित सीबेसियस ग्लैंड्स होती हैं और इन ग्रंथियों का तेलीय श्रावण अश्रु द्रव के साथ ऊपर एक महीन परत बना करके उसको नेत्र गोलक की सतह पर समान रूप से फैलाए रखता है जिससे कि आंखों में नमी बनी रहती है। रोते समय यह तेलीय पर टूट जाती है और अश्रु बह निकलते हैं। थर्ड है ग्लैंड्स ऑफ जीस। जीस की ग्रंथियाँ ये मॉडिफाइड सीबेसियस ग्लैंड्स होती हैं जो आई लेसेज के हेयर फॉलिकल्स में खुलती है। नेक्स्ट है सेंट ग्लैंड्स। गंध ग्रंथियाँ या तो ये मॉडिफाइड सीबेसियस ग्लैंड्स होती हैं या स्वेट ग्लैंड्स होती हैं और इनका सिक्रीशन जो है वो अपोजिट सेक्स को एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट करता है। यह हिरणों के कुल में सेंट ग्लैंड्स जो हैं सिर पर आंखों के पास में पाई जाती है। चमगादड़ों में यह चेहरे पर होती है, सुअरों में यह खुरों के बीच में होती है और कई कार्निवोरस यानी मांसाहारियों में यह एनस के पास में होती है। कुत्तों में यह दुम के आधार पर पाई जाती है। नेक्स्ट है स्वेट ग्लैंड्स। स्वेद अर्थात सुडोरीफिक
ग्रंथियाँ, लंबी कुंडलित नलिकाकार ग्रंथियाँ होती हैं जो त्वचा पर समान रूप से वितरित नहीं होती है। मनुष्य में ये हथेलियाँ, तलवों और बगलों में अधिक संख्या में पाई जाती हैं। होठों, ग्लैंड्स पेनिस और नाखून स्तर में ये नहीं होती हैं। बिल्लियों और चूहों में स्वेट ग्लैंड्स केवल पाँव के तलवों पर पाई जाती हैं। खरगोश में होठों के चारों ओर इनकी संख्या अधिक होती है। हिप्पोपोटेमस या दरियाई घोड़े में स्वेट ग्लैंड्स केवल पिन्ना पर ही पाई जाती हैं। इसी प्रकार से मोल्स यानी छुछुंदर, टैकीग्लॉसस, साइरिनिया और सिटेसिया में स्वेट ग्लैंड्स नहीं होती है। स्वेट ग्लैंड के सिक्रीशन को पसीना या स्वेट कहते हैं। पसीने में बहुत मात्रा में पानी होता है जिसमें सोडियम, पोटेशियम, यूरिया के लवण घुले हुए होते हैं। स्वेट ग्लैंड्स के दो मुख्य कार्य होते हैं, एक तो मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालना और दूसरा शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। कुछ जानवरों में पिगमेंट ग्रेन्यूल्स की उपस्थिति के कारण स्वेट जो है वो कलर्ड होता है, जैसे कि हिप्पोपोटेमस का जो पसीना है वो लाल रंग का होता है और कुछ एंटीलोप्स में पसीना नीले रंग का होता है। नेक्स्ट है कर्णगूथ ग्रंथियां या सेरुमिनस ग्लैंड्स। ये ग्रंथियां जो हैं मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होती हैं जो कि वैक्स बनाती हैं और मैमल्स में यह एक्सटर्नल ईयर या पिन्ना के मार्ग में पाई जाती है। ग्लैंड्स ऑफ मोल ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स है जो मनुष्य के आँख के किनारे पर और इसके आई लेसेज के बालों में लगी हुई पाई जाती है। नेक्स्ट है मेमरी ग्लैंड्स। स्तन ग्रंथियाँ केवल स्तनियों में पाई जाती हैं और यह मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स है जो सामान्यतः मादा में क्रियाशील होती हैं। इससे दूध निकलता है जो शिशु को पोषण देता है। मोनोट्रीम मैमल्स में मेल और फीमेल दोनों मिल्क सिक्रीशन कर सकते हैं। जब मेल में क्रियाशील स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं तो इसे गाइनेकोमेस्टिया कहते हैं। मोनोट्रीम की मेमरी ग्लैंड्स जो हैं वो कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती हैं। इनमें निप्पल्स नहीं होते हैं और ये त्वचा की सतह पर गड्ढों में खुलती हैं। इनके बच्चे बालों के गुच्छों को चाट करके दूध प्राप्त करते हैं। मेटाथीरियन मैमल्स जैसे कंगारू में और यूथीरियन मैमल्स जैसे मनुष्य में मेमरी ग्लैंड्स जो हैं कंपाउंड एल्वियुलर प्रकार की होती है और इनकी डक्ट जो है एक निप्पल अथवा एक सूडो निप्पल अर्थात टीट या थन पर खुलती है। जो निप्पल है छाती पर एक उभरी हुई आउटग्रोथ होती है जिसके द्वारा मेमरी ग्लैंड्स जो है सीधे बाहर को खुलती हैं। टीट्स में स्तन जो मैम की त्वचा बाहर की ओर वर्दी करके एक लंबा इजेक्शन या प्रक्षेपण बनाती है। थन में स्तन वाहिनियाँ सीधे बाहर की ओर ना खुल करके थन के आधार पर स्थित एक कुंड अथवा सिस्टर्न में आकर के खुलती है जहाँ से दूध एक नली द्वारा सतह पर आता है और एडिपोज टिश्यूज जो हैं यह स्तन वाहिनियों और एल्वियोलाई को घेरे हुए रहते हैं, त्वचा पर उत्फुलन बनाते हैं जिन्हें स्तन या छाती कहते हैं, तो जिसको मैमी या ब्रेस्ट कहते हैं। यहाँ पर दो प्रकार की मेमरी ग्लैंड्स दिखाई गई हैं। फर्स्ट है जिसमें निप्पल्स होते हैं, तो निप्पल्स में सारी की सारी ये जो डक्ट हैं ये अलग अलग आकर के निप्पल में खुलती है, जबकि टीट्स में या थन में यह जो है पीछे की तरफ एक वेसिकल बनाती है जिसको सिस्टर्न कहते हैं, उसमें आकर के खुलती है और वहाँ से एक ट्यूब के द्वारा यह थन के बाहरी हिस्से पर आकर के खुलती है। स्तन ग्रंथियाँ या मेमरी ग्लैंड्स भ्रूण के अधर तल पर स्थित एक्टोडर्मल उभारों से जिन्हें मिल्क लाइन कहते हैं से उत्पन्न होती है। इनकी संख्या मनुष्य में एक जोड़े से लेकर के कुछ कीट बक्सी स्तनियों में यानी जो कीट बक्सी होते हैं उनमें 11 जोड़े तक होती है। तो इनकी संख्या एक से लेकर 11 जोड़े तक होती है और मेमरी ग्लैंड्स की स्थिति अलग अलग स्तनियों में अलग अलग होती है। ये ग्रंथियाँ या तो
एक्सिलरी होती है, अक्षीय होती है, या थोरेसिक यानी वक्षीय होती है, या एब्डोमिनल यानी उदरीय होती है, या इनगुइनल यानी वक्षणीय होती है। नेक्स्ट है एपिडर्मल स्केल्स। कई कॉर्डेटा में स्केल्स जो हैं वो प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं। ये स्केल्स एपिडर्मल अथवा डर्मल होते हैं। एपिडर्मल स्केल्स मेलपिजियन लेयर के ऑर्नी डेरिवेटिव्स होते हैं, जो सामान्यतः माउल्टिंग और पुनर्निर्मित होते रहते हैं मछलियाँ, फिशेज और एम्फीबियंस में। फिशेज और कुछ टॉड्स और सिसिलियन अर्थात अंधे क्रमियों को छोड़ अन्य एम्फीबियंस में एपिडर्मल स्केल्स नहीं पाए जाते हैं। एक यूरोपीय टॉड जो है पिल्लोबेटिस में इसके जो हैंडलिम्स है के भीतरी किनारों पर कड़े एपिडर्मल स्केल्स उपस्थित होते हैं, जो मिट्टी खोदने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स में कम्प्लीटली डेवलप्ड एपिडर्मल स्केल्स पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है स्केल्स ऑफ स्नैक्स एंड लिजार्ड्स। ये एक दूसरे को ढकते जाते हैं अर्थात ओवरलैपिंग होते हैं, तथा आधार पर एक दूसरे से सतत रहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है ओवरलैपिंग स्केल्स। इनमें समयबद्ध निर्मोचन होता है यानी माउल्टिंग की क्रिया होती है, और निर्मोचन से पूर्व पुराने सेट के नीचे सलकों का नया सेट बन जाता है, और सलकों की संपूर्ण श्रृंगीय परत पूरी की पूरी एक साथ उतरती है। सांपों में शरीर के अदर तल पर स्थित सल्क जो हैं शरीर के अन्य सलकों से भिन्न होते हैं। ये अनुप्रस्थ व्यवस्थित होते हैं तथा गमन में सहायता करते हैं। तो इसमें ये वेंट्रल स्केल्स हैं, डोर्सल स्केल्स हैं। वेंट्रल स्केल्स थोड़े से अलग टाइप के होते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक्स। तो विषैले और विषहीन सर्पों की पहचान शरीर की सतह पर एपिडर्मल स्केल्स के स्पेसिफिक अरेंजमेंट के द्वारा पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक्स की पहचान की जाती है। यहाँ पर फर्स्ट जो डायग्राम है इसमें वेंट्रल दिखाया गया है, अदर सतह दिखाई गई है। इसमें वेंट्रल्स तो फर्स्ट में सारे के सारे स्केल्स एक समान हैं, सेकंड में इसके बीच वाले भाग में इस प्रकार से एक लाइन बनी हुई है, और थर्ड जो है इसमें ये स्केल्स बहुत ही बड़े आकार की है। फोर्थ डायग्राम जो है इसमें इसके हेड के स्केल्स दिखाए गए हैं, जो एक समान आकार के हैं, और फिफ्थ डायग्राम में इसके कुछ स्केल्स जो हैं वो बड़े आकार के हैं, जैसे रोस्ट्रम वाले रोस्ट्रल कहलाते हैं और शील्ड्स कहलाते हैं, और बाकी वाले स्केल्स जो हैं वो स्मॉल साइज के हैं और एक समान आकार के हैं। फिफ्थ डायग्राम में यहाँ पर पिट दिखाया गया है, जो कि इसके नेजल अपर्चर और आई के बीच में स्थित है, और सेवन्थ डायग्राम में यहाँ पर इसका नेजल अपर्चर और थर्ड लेबियल दिखाया गया है। थर्ड लेबियल बड़े आकार का है, जो कि इसके आई को और इसके नेजल अपर्चर को दोनों को टच करता है। एट्थ डायग्राम में यहाँ पर इसके स्केल्स के बीच वाला भाग जो है वो वर्टिब्रल के समान दिखाई दे रहा है, और नाइन्थ डायग्राम में इसमें वेंट्रल सरफेस पर फोर्थ इन्फ्रालेबियल जो है स्केल यह आकार में सबसे बड़ा होता है। तो इस प्रकार से इनमें अलग अलग ये जो दिखाए गए हैं उसके आधार पर आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है कि कौन सा स्नैक जो है वो पॉइजनस है और कौन सा नॉन पॉइजनस है। यदि पूछ पार्श्वतः संपीड़ित है यानी लेटरली कंप्रेस्ड है, और सांप समुद्री है तो वो विषैला होगा। यदि पूछ गोल है राउंड है और सांप टेरेस्ट्रियल है तो सांप विषैला या विषहीन हो सकता है। हाँ, यदि सभी वेंट्रल स्केल्स छोटे हैं या कुछ कुछ चौड़े हैं तो यह सांप नॉन पॉइजनस है। अगर वेंट्रल स्केल्स बड़े हैं और इसकी वेंट्रल सरफेस पर आर पार फैले हैं तो सांप पॉइजनस हो सकता है या नहीं भी हो सकता है।
निश्चित रूप से यह पता करने के लिए सिर का निरीक्षण किया जाता है। यदि सिर की डोर्सल सरफेस के सभी सल्क छोटे हैं तो यह वाइपर है जो विषैला होता है। यदि सिर की पृष्ठ सतह पर छोटे और बड़े दोनों प्रकार के स्केल्स हैं तो यह साफ विषैला हो भी सकता है या नहीं भी। आँख और इसके नेजल अपर्चर के बीच में गड्ढा है तो यह सर्प जो है पिट वाइपर है जो एक विषैला सर्प है। यदि थर्ड जो लेबियल स्केल थर्ड इसका थर्ड लेबियल स्केल अगर नेजल स्केल्स और आईज को छूता है तो यह सांप जो है कोबरा अथवा किंग कोबरा है जो विषैले होते हैं। सिर की डोर्सल सरफेस पर छोटे और बड़े दोनों प्रकार के स्केल्स है परंतु थर्ड लेबियल स्केल जो है आँख को न छूता है तथा नासा छिद्र और आँख के बीच सेंसरी पिट नहीं है तो सांप की पीठ और निचले जबड़े की अदर सतह देखी जाती है। पीठ की मध्य पंक्ति के सल्क जिन्हें वर्टिब्रल स्केल्स कहते हैं अन्य पृष्ठ सल्कों से अधिक बड़े हैं। निचले जबड़े की अदर सतह पर फोर्थ इंफ्रालेबियल स्केल जो है अन्य स्केल्स से बड़ा है तो सांप जो है विषैला है क्रैट है और बाकी सारे के सारे सांप जो है वो नॉन पॉइजनस है। स्केल्स ऑफ टॉर्टोइजेज एंड क्रोकोडाइल्स कछुआ और मगरमच्छों के सल्क जो हैं कोर छादी यानी ओवरलैपिंग नहीं होते हैं ये अलग अलग विकसित होते हैं। कछुए में हर सल्क के नीचे स्थित मेलपिगी लेयर जो है ग्रोथ के समय सल्क की परिधि पर कोशिकाओं का निर्माण करता है जिससे एक नई श्रृंगीय परत बन जाती है जो पुराने सल्क को कवच से दूर धकेल देती है। इस प्रकार की वृद्धि के कारण सल्क इसके स्केल्स जो हैं उस कॉन्सेंट्रिक रिंग्स की एक श्रृंखला से बना हुआ लगता है। मगरमच्छों में सारा शरीर एपिडर्मल स्केल्स से ढका रहता है जो माउल्टिंग उनमें नहीं होती है और यह धीरे धीरे घिस जाते हैं और उनकी जगह पर नए स्केल्स बन जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट डायग्राम जो है उसमें कछुआ कैरापेस जो दिखाया गया है कैरापेस या प्लेट सदृश सल्कों की व्यवस्था इसमें दिखाई गई है और नीचे वाला डायग्राम जो है इसमें विभिन्न प्रकार के सल्क दर्शाते त्वचा की उदग्रकाठ वीएस का रेखाचित्र। तो इसमें सबसे पहले हैं टीलियोस्ट में यानी बोनी डर्मल स्केल्स उपस्थित हैं, एपोडा में ए पोडा में कुटेनियस स्केल्स उपस्थित हैं, स्नैक्स और लिजार्ड्स में ऑर्नी एपिडर्मल स्केल्स उपस्थित हैं, सर्टेन लिजार्ड्स कुछ लिजार्ड्स में ऑर्नी एपिडर्मल स्केल्स और बोनी डर्मल स्केल्स उपस्थित हैं और क्रोकोडाइल्स एंड टर्टल्स में बोनी डर्मल प्लेट्स और हॉर्नी एपिडर्मल प्लेट्स उपस्थित हैं। थैंक यू।